तो क्या हाल आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काटते होंगे। तो देखिए, जब भी कभी कोई आईटी या फिर ईडी या फिर कोई जीएसटी ऑफिशियल यहाँ पर कोई रेट डालता है तो हमें अक्सर देखने को मिलता है कि 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए यहाँ पर रिकवर हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अभी भारत के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी आईटी रेट हुई है, जिसमें अभी तक 351 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा रुपए जो है यहाँ पर रिकवर किए गए हैं, जो यहाँ पर 500 500 रुपए के, 200 200 और 100 100 के रुपए के नोट की गड्डियों में रखे हुए थे। और ये लगातार 6 दिन तक रेड चली, जिसमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि 176 बैग में यहाँ पर ये नोट भरे हुए थे और इन सब यहाँ पर रिकवर किया गया है। और ये यहाँ पर बहुत सारी जो मशीनें थी, 40 से भी ज़्यादा नोट काउंटिंग मशीनें यहाँ पर लगाई गई थी और 6 दिन तक पूरी पूरी ये रेड चली। उसमें नोट भी गिने गए, बैंक ऑफिशियल्स लगाए गए, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थे उसके ऑफिशियल्स यहाँ पर लगाए गए, और तब जाकर यहाँ पर ये 6 दिन में पूरा पूरा प्रोसेस कम्प्लीट हुआ, जिसमें यहाँ पर 351 करोड़ रुपये रिकवर किए गए हैं। और ये देश के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी रेड है, यानी कि सिंगल सिंगल रेड में यहाँ पर इतना ज़्यादा कैश निकलना आज तक इतिहास में, भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर हुआ है। और ये जो हुआ है वो कांग्रेस के राज्यसभा एमपी धीरज साहू के प्रीमाइसिस पर हुआ है, जो लगभग झारखंड में और उड़ीसा में फैले हुए थे। तो तब यहाँ पर सारी की सारी जो चीज़ें इनसे इंटरलिंक थी, तो तब उनके ऊपर यहाँ पर रेड डाले गए। तरह तरह की जगह जगह पर यहाँ पर जो नोट भरे हुए थे वो पाए गए हैं और उनको यहाँ पर रिकवर कर लिया गया है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि मामला क्या है और कितनी बड़ी यहाँ पर ये रेड की गई थी, क्या क्या मामला सामने आया है। तो चलिए इसके बारे में आज पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। तो देखिए, ये बंदा देखिए, आप गौर से देखिएगा, इनका नाम है धीरज साहू करके और ये काफी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। वैसे देखा जाए तो इनके जो पिताजी थे वो भी एक काफ़ी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे और ये अपने आप को फ्रीडम स्ट्रगल से भी जोड़ते हैं कि देश की जो आज़ादी दिलाने में इनकी भी काफ़ी बड़ी भूमिका सामने आई थी। लेकिन ये जो धीरज साहू है, जिनकी उम्र 34 साल है, उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे इनके कारोबार है और ये कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा MP भी है। और इन्होंने यहाँ पर जब भी जो MP बनते हैं या फिर कोई से भी चुनाव लड़ते हैं तो देखिए यहाँ पर एफिडेविट देना पड़ता है कि भाई यहाँ पर मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना मेरे पास कैश है, इतनी चल संपत्ति, अचल संपत्ति, पत्नी के पास इतनी संपत्ति, कोई यहाँ पर लोन तो नहीं है, कितने पत्नी के पास संपत्तियाँ हैं, यानी कि सारी की सारी जो चीज़ें यहाँ पर डिक्लेयर की जाती है। तो जो उन्होंने अपना एफिडेविट में ये सारी की सारी जो चीज़ें डिक्लेयर की तो उन्होंने यहाँ पर यह बताया कि मेरे पास 34 करोड़ की संपत्ति है। लेकिन यहाँ पर IT डिपार्टमेंट को कुछ टिप ऑफ मिलती है, यानी कि यहाँ पर मुखबर से कुछ सूचना मिलती है कि ऐसे ऐसे यहाँ पर जो है मामला चल रहा है और बहुत सारा कैश मिल सकता है आपको, तो आप आइए यहाँ पर छापा मार दो। तो यहाँ पर पूरी पूरी तैयारी की IT डिपार्टमेंट ने और यहाँ पर इनके जो प्रीमाइसेस थे झारखंड में और ओडिशा में, वहाँ पर यहाँ पर छापेमारी की गई और यहाँ पर 5 6 दिन तक यहाँ पर पूरी पूरी रेड चली। इसमें इतने सारे नोट बरामद हुए कि यहाँ पर जो IT डिपार्टमेंट थे वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शौक गए कि भाई यहाँ पर ये क्या हो रहा है, कितना सारा पैसा भर रखा है यहाँ पर। और यहाँ पर लगभग 44 के करीब नोट गिनने वाली मशीनें लगाई गई थी और यहाँ पर बैंक के ऑफिशियल्स यहाँ पर लगाए गए कि भाई यहाँ पर इनके नोटों को कहाँ रखा जाए। कई सारे ट्रक मंगाए गए थे और सारे के सारे जो नोट थे वो उसमें 500 के नोट, 200 के नोट, 100 के नोट थे। 2000 का नोट कोई भी नहीं था उसमें, क्योंकि यहाँ पर 2000 का जो चलन है, नोट जो चलन में है वो सारा का सारा ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर 2000 के नोट की कोई बात नहीं, लेकिन जो चलन में नोट है 500 के, 200 के और 100 के, उनमें यहाँ पर सारी की सारी रिकवरी देखने को मिली है और यहाँ पर तगड़ा बहुत सारा पैसा निकल कर सामने आया। 6 दिन तक रेट चली और 44 मशीनें लगी इसमें नोट गिनने की और कई सारे जो दर्जनों लोग थे वो यहाँ पर लगाए गए और यहाँ पर 351 करोड़ रुपए रिकवर किए गए हैं। और ये जो रिकवर अमाउंट किया गया है वो काले मनी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अनडॉक्यूमेंटेड मनी है ये, यानी कि यहाँ पर ये ऐसी मनी है जिसका कोई रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यानी कि इसके बारे में कुछ नहीं पता कि ये किसका पैसा है ये। वैसे देखा जाए तो जैसे ये यहाँ पर रेड की गई है तो इसी की तरह से यहाँ पर राजनीति भी शुरू हो गई कि भाई यहाँ पर जो प्रधानमंत्री है अमित शाह है वो यहाँ पर इसके खिलाफ बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है वो यहाँ पर भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है, लेकिन यहाँ पर खुद उनके ही MP यहाँ पर भ्रष्टाचार में संलिप्त है और यहाँ पर काला धन छुपाकर बैठे हैं। इसी तरह से यहाँ पर किरेन रिजिजू, उन्होंने भी यहाँ पर हमला बोला है और जो अमित शाह है उन्होंने भी यहाँ पर इसके खिलाफ हमला बोला है। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा राजनीति भी देखने को मिल रही है और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने यहाँ पर MP धीरज साहू से क्लैरिफिकेशन मांगा है कि भाई यहाँ पर इतना ज़्यादा पैसा तुम्हारे प्रीमाइसिस पर आया है तो इसकी कोई क्लैरिफिकेशन तो दो। तो यहाँ पर अब क्लैरिफिकेशन की बात हो रही है और यहाँ पर
कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे के पूरे मामले से खुद को डिस्टेंस कर लिया कि भाई यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना ही नहीं है, यहाँ पर ये उनका खुद का कारोबार है, ये उनके खुद के पैसे हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन राजनीति तो आपको पता ही है कि राजनीति यहाँ पर छोटी सी छोटी चीज़ों पर भी हो सकती है और बड़ी सी बड़ी चीज़ों पर भी हो सकती है। तो यहाँ पर अपने विरोधी पार्टी की तरफ हमला करने का कोई भी मौका यहाँ पर एक पार्टी छोड़ना नहीं चाहती, और यही मौका मिला बीजेपी को। बीजेपी ने यहाँ पर दबाकर हमला बोला है कि यहाँ पर आज तक की इतिहास की, भारत के इतिहास की सबसे बड़ी रेड सामने निकल कर आई है, जिसमें 351 करोड़ से भी ज़्यादा रकम यहाँ पर रिकवर की गई है और 6 दिन तक ये रेड चली है। तो भाई यहाँ पर कोई भी मौका छोड़ने वाले नहीं है ये विपक्ष जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो तो यहाँ पर इसका फायदा पूरा फायदा उठाएंगे। वैसे देखा जाए तो इस पूरे मामले के पीछे जो धीरज साहू है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से 3 बार राज्यसभा के मेंबर चुने गए हैं और अभी भी ये राज्यसभा के मेंबर हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और ये जो कमेटियां होती है, जो पार्लियामेंट में कमेटियां होती है, जैसे कि एक है कंसल्टेटिव कमेटी है जो कोल्स माइंस ये सब देखती है, उसके मेंबर है ये। और इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी से जुड़ी जो कमेटी है, एक एनर्जी से रिलेटेड है, रिन्यूएबल एनर्जी एनर्जी से रिलेटेड है, तो उस कमेटी के भी मेंबर है। तो यहाँ पर जो सांसद होते हैं वो किसी ना किसी तरह से पार्लियामेंट में एडजस्ट हो जाते हैं किसी भी तरह की किसी भी कमेटी में। मंत्री ना बने तो क्या हुआ, कमेटी में बन जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर ये कमेटियों में भी थे, 2 कमेटियों में थे, तो इन 2 कमेटियों में मेंबर थे ये। और ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्यसभा में भी है, लेकिन ये इनका जो जुड़ाव है कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो 1977 की तरफ से शुरू हुआ था, जब यहाँ पर ये वेरियस तरीके से इन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपने आप को साबित किया और अपने आप को स्थापित किया और बड़े लीडर बन गए। और ये अभी यहाँ पर ये झारखंड की राजधानी रांची में रहते हैं, यहाँ पर धोनी साहब का भी घर है। तो यहाँ पर इस तरह से सामने आया है। और इनका जो कारोबार है ना वो शराब का कारोबार है, स्टील का कारोबार है और दूसरी तरह के रियल इस्टेट का कारोबार भी है ये। तो यहाँ पर जो सारा मामला सामने निकल कर आ रहा है वो लगभग शराब के मामले, शराब के काम से जुड़ा हुआ सामने निकल कर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो शराब का जो कारोबार है ना वो है तो बहुत तगड़ा वाला और इनका कारोबार बहुत बड़े लेवल पर भी था। तो देखिए, जब ऐसा होता है कि भाई यहाँ पर शराब बेची जाती है तो हर बोतल का हिसाब यहाँ पर रखना पड़ता है और उसी के हिसाब से यहाँ पर टैक्स दिया जाता है और इसके ऊपर टैक्स बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर टैक्स बचाने के लिए इस तरह से यहाँ पर बिना अनडॉक्यूमेंटेड ऑफ द बुक यहाँ पर जो कैश ट्रांजेक्शन है वो की जाती है कि भाई यहाँ पर अपनी शराब बनाई या फिर शराब खरीदी और फिर यहाँ पर उनको बुक वुक में चढ़ाया नहीं और ऐसे ही बेच दिया और यहाँ पर पैसा पूरा बराबर कमा दिया, जिससे क्या होगा कि भाई यहाँ पर जो टैक्स देना था सरकार को वो यहाँ पर दिया नहीं गया और यहाँ पर जो अनडॉक्यूमेंटेड कैश है उसको यहाँ पर बैंक में भी नहीं रख सकते। तो यहाँ पर बैंक में ना रख के यहाँ पर जगह जगह पर अपने जो प्रीमाइसेस है वहाँ पर रखा गया, कि किसी की झोपड़ी में, अपने स्टाफ के घरों में तक में रखा गया यहाँ पर, और यहाँ पर पता नहीं कहाँ कहाँ पर, कभी किसी तहखाने में, कभी किसी किचन में, और जो बैरक्स होते हैं उसके बुक्स के शेल्स होते हैं उनके पीछे तक यहाँ पर नोट रखे गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा तगड़ा यहाँ पर कारोबार चल रहा था, ये कारोबार जिसमें यहाँ पर इतना ज़्यादा कैश बरामद किया गया, 351 करोड़ से भी ज़्यादा कैश। और यहाँ पर जितना भी कैश सीज किया गया ना वो सारा का सारा जो कैश है वो SBI की ब्रांच है बालनगीर में, वहाँ पर यहाँ पर सारा का सारा डिपॉजिट किया गया है कि भाई यहाँ पर जितने भी 176 बैग रिकवर किए गए हैं वो सारे के सारे उस ब्रांच में रखे गए हैं। तो उस ब्रांच की जो सिक्योरिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई कर दी गई है अब, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा है वहाँ पर और आने जाने में भी यहाँ पर ट्रकों का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित तरीके से यहाँ पर ब्रांच में पहुँचाया गया और वहीं पर ही रखे गए हैं सारे के सारे पैसे। और आपको याद होगा 2019 में कानपुर के एक बिजनेसमैन है जिनके बारे में बताया जा रहा था कि इसके ऊपर जो रेड की गई है वो देश के इतिहास की सबसे बड़ी रेड थी, जिसमें 257 करोड़ रुपए की GST चोरी की गई थी और 257 करोड़ रुपए यहाँ पर बरामद किए गए थे। तो वो जो रेड थी उसके बारे में बताया जाता था कि वो भारत के इतिहास की सबसे बड़ी रेड थी, लेकिन यहाँ पर जो बरामद किए गए हैं पैसा वो 351 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं, जो उससे भी ज़्यादा है। तो ये जो रेड बनी है वो भारत के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी रेड बनी है, जिसमें यहाँ पर बहुत तगड़ा पैसा इन्वॉल्व है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा तगड़ा पैसा यहाँ पर रिकवर किया गया है। लेकिन सवाल ये आता है कि इतना ज़्यादा तगड़ा पैसा यहाँ पर बरामद किया गया है तो क्या यहाँ पर SBI या सरकार यहाँ पर इस पैसे का इस्तेमाल कर सकती है? तो देखिए, इसका जवाब है नहीं। यहाँ पर ये जो पैसा सीज किया गया है ना वो ऑफ द बुक पैसा है, यानी कि इसका कोई हिसाब किताब नहीं रखा गया है। तो यहाँ पर इसका पैसा का इस्तेमाल की भी सरकारी एजेंसी या फिर सरकार यहाँ पर कर ही नहीं सकती। तो यहाँ पर ये ऐसे ही रखा गया रहेगा जब तक ये मामला पूरा क्लियर ना हो। और यहाँ पर क्या क्या मामला सामने आएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताया गया कि भाई यहाँ पर जो धीरज साहू है उन्होंने यहाँ पर क्या क्या किया, उन्होंने यहाँ पर ये कैसे पैसे बनाए और यहाँ पर ये बुक में क्यों नहीं दिखाया गया। तो सारी चीज़ें यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगी, लेकिन यहाँ पर सरकार इन पैसों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी।
लेकिन अगर यहाँ पर धीरज साहू के ऊपर जो आरोप वगैरह लगाए जा रहे हैं कि ये सारा का सारा जो पैसा वो इलीगल है, काला मनी है और यहाँ पर इसको सही नहीं है ये पैसा, तो यहाँ पर केंद्र सरकार उस पूरे पूरे पैसों को जब्त कर सकती है और अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन अगर कोर्ट की तरफ से ये आदेश आता है कि भाई यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है और यहाँ पर जो पैसा है वो पूरी तरह से लीगल है, तो यहाँ पर सरकार को वो सारा का सारा पैसा धीरज साहू को लौटाना होगा। तो सारा का सारी कहानी यही चल रही है, लेकिन राजनीति इसके ऊपर बंद नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर जो मामला चल रहा है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के मामला है। तो यहाँ पर जो बीजेपी है वो कोई सा मौका छोड़ना नहीं चाह रही, और वैसे भी यहाँ पर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और उसमें होने में लगभग 4-5 महीने ही बाकी रह गए हैं। तो जो इंडिया गठबंधन है जिसमें कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके लिए यहाँ पर काफ़ी बड़ी दुर्विधा हो जाएगी कि भाई यहाँ पर भ्रष्टाचार के मामले में ये बात करती थी पार्टी, लेकिन खुद उनके जो मेम्बर है, सांसद है, वो यहाँ पर भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। तो ये तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गई है कि भाई यहाँ पर कांग्रेस पार्टी इसी वजह से जो धीरज साहू है उनसे अपना पीछे छुड़ा रही है कि भाई यहाँ पर इनका जो भी कारोबार है उससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ये उनका खुद का कारोबार है। और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने धीरज साहू से क्लैरिफिकेशन मांगी है कि भाई यहाँ पर जो मामला सामने निकल कर आया है उसमें तुम्हारा क्या टेक है। तो ये मामला सामने निकल कर आया है जिसमें भारत देश के इतिहास की सबसे बड़ी यहाँ पर रेड मारी गई है, जिसमें 351 करोड़ बरामद किए गए हैं और ये 176 बैग में थे और उनको गिनने के लिए 6 दिन लग गए और 80 लोगों की टीमों ने यहाँ पर गिना, जिसमें 44 मशीनें शामिल थी, 44 नोट गिनने की मशीन यहाँ पर लगाई गई थी, तब जाकर यहाँ पर 6 दिनों में ये पूरा वो गिना गया है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट यू प्रेसिस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।